हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जल मुर्गी का बच्चा। ये देखो, ये तो ये वाला चूजा है कड़कनाथ का, और जो उधर बार बार बोल रहा है ये जल मुर्गी का बच्चा है। जल मुर्गी का बच्चा ये हमारे घर के पास में एक तालाब है, वहाँ से पकड़ा है। और ये काफ़ी परेशान है अपने अम्मी पापा के लिए, और ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, जाली से रास्ता ढूंढ रहा है कहाँ किधर भागूं। ये कुछ खा पी भी नहीं रहा है, और देखो सेम टू सेम कड़कनाथ की तरह है। आप यही कहोगे कि कड़कनाथ का चूजा है, लेकिन ये कड़कनाथ का नहीं है, ये तालाब में जल मुर्गी होती है उसका चूजा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है ये वाला ये कड़कनाथ का चूजा है, और ये जल मुर्गी का है। देखो ये तालाब है, ये हमारे घर के पास में तालाब है, और ये यहीं से पकड़ा है, यहीं चुगने के लिए आया था और हमने यहीं से पकड़ लिया है। ये मेरे पेड़ पौधे लगे हैं, देखो हमारे ये अमरूद का पेड़ है, इस पे केवल 3 अमरूद आए हैं और बाकी पता नहीं कहाँ चले गए, शायद अगले साल आए ज़्यादा। और ये देखो जामुन का पेड़ है, और ये जो है ये चलिए हमारी अंगूर की बेल। ये जो हरियाली देख रहे हैं ना आप, यहीं से पकड़ा था हमने जल मुर्गी का बच्चा, इसी में चुगाती है वो। अभी भी काफ़ी सारे बच्चे हैं, यहीं घूमते हैं। देखो तालाब है, वहाँ दूर तक तालाब है ये। देखो